इतनी सारी आवाज सुनकर तो अब आपको भी लग गया होगा कि आखिरकार होने क्या वाला है। चलिए पहले एक काम करते, एक बार चेहरे दिखा देते, पहले इनका चेहरा ध्यान से देख लो, अब बारी है इन सबके चेहरे को ध्यान से देखने की। अरे भैया जूम करके दिखाओ, प्यार से पूरी इज्जत के साथ बिल्कुल पास से दिखा दो, क्या बात है, आ गई चेहरे पे स्माइल। ये है सारी वो प्यारी प्यारी लेडीज जो आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे फंक्शन हमेशा करते रहते हैं, और ये है हमारे प्यारे से भैया जो इस वक्त मौके पर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन चलिए आइए, अब आप सोचोगे आखिरकार प्रतिभा ये सब दिखा क्यों रही है, तो बता देती हूँ कि 7 अगस्त की तारीख अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये तारीख जो है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इतनी जरूरी कि मजा आ जाने वाला है। मैम नमस्कार। नमस्कार, पहले मुझे बताइए क्या करने वाली हैं आप? 7 अगस्त को तीज है। अच्छा, और तीज का त्योहार है, ऐसे तो जा नहीं सकता। हाँ, उस दिन पतंगे भी उड़ेंगी, चाट पकौड़ी भी खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, झूला झूलेंगे, तो अगर हम अकेले करें तो भी मजा नहीं, इसलिए हम पूरे शहर की लेडीज को लेके ये प्रोग्राम। ना ना, मेरे को तो गड़बड़ लग रही है, ये तो पहले ही मुंह में पानी लेके आ रहे हैं, खाने पीने की चीज पहले ही बता रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई देखो, उनको पता चल गया चाट पकौड़ी की बात कर रहे हैं, नहीं और क्या करने वाले हो आप? और बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इस बार हम इसे तीज के फंक्शन को, तीज के इवेंट को मतलब बहुत बड़ा बना के चल रहे हैं, जिससे हमारे साथ कोको इवेंट पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, HITM से ऑनलाइन पार्टनर हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही क्रेजी वाइब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी टीम तो है ही है माशाल्लाह, आपने पहले भी देखी हुई है जो है। देखो मुझे बाकी का तो पता नहीं, लेकिन उस दिन आपको एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, पता है क्या? एक बार दोबारा कैमरा करना भैया सिर्फ, ये सारे ना पता इतने प्यारे प्यारे तैयार होके आते हैं। हाँ, मेकअप होता है 2.5 किलो का, लेकिन लगते जबरदस्त है, सच में मजा आ जाता है, तो कुछ और देखने को मिले या ना मिले ये जरूर मिलने वाला है। मैम और क्या कुछ हमारे यहाँ पर होने वाला है, और एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है जहाँ पर लोगों को पहुँचना पड़ेगा? अग्रसेन भवन में है। अच्छा क्या क्या रखा है वहाँ पर खाने पीने की बता दो मुझे तो आप। खाने पीने का मौके पे देखना, बहुत कुछ होएगा। अच्छा बहुत कुछ होएगा, मीठे में? मीठे में गुलाब जामुन कुछ भी चलेगा, मीठे में होगा ना, खट्टे में? खट्टे में गोलगप्पे। अच्छा, और तीखे में? तीखे में पाव भाजी वगैरह, मतलब सब कुछ है, मतलब जो खाना है वो खा लो, क्या बात है। कौन कौन आ सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं पहुंच जाऊं और आप बोलो बैन हो भाई अंदर नहीं आना? शहर की सभी लेडीज पहुंचेंगी। अच्छा, क्योंकि वो कई सालों से देखती आ रही हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, खाने पीने का, शॉपिंग के लिए बहुत कुछ होता है। अच्छा, अपने हस्बैंड को कहाँ छोड़ के आएंगे? वो शॉप को संभालेंगे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब इनके हस्बैंड काम संभालेंगे, सारी महिलाएं तीज मनाने आएगी, सुन लिया सबने, ये काम जरूर करना है। अच्छा और क्या होने वाला है? और स्विंग्स वगैरह होंगे। अच्छा, लाइट्स वगैरह, और बाकी सरप्राइजेज हैं वो भी बता देंगे तो मजा खत्म हो जाएगा। अरे रे, सरप्राइज तो जरूरी है। 7 अगस्त 2024, क्या बात है। अब हम ये सोच लें कि 7 अगस्त दिमाग में बिठा लो, क्यों ऐसा क्या करने वाले हो, सबने बता दिया अपनी अपनी, आपकी बारी है। अच्छा, मुझे लग रहा है इस बार तो आप ही पे दाव लगने वाला है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, गेम्स भी होने वाली हैं? बिल्कुल, मैं कोको इवेंट से हूँ, एक इवेंट कंपनी को हायर किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटी मोटी बात है, आज तक अरेंज हो ही जाता था, इस बार कुछ खास है, इसीलिए उन लोगों को एक ज़रूरत पड़ी है, हमारे आइडिया साथ लगेंगे, कुछ अलग होगा, बहुत अच्छा होगा, इसी चीज़ के लिए हम लोग एक, वैसे भी एक NGO है, हम इस सबको सपोर्ट करने के लिए एज इवेंट पार्टनर्स इस बार इनके साथ हैं। क्या लगता है कोको इवेंट इस बार क्या नया, क्या अलग देने वाला है? आप देखते रह जाएंगे, ऐसा आपने किसी बड़ी बड़ी शादियों के इवेंट में ढूंढ कर भी नहीं देखा होगा, जो आपको सब कुछ इस बार देखने को मिले। क्या बात है, बाकी बता नहीं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है मिल जाएगा। मनमोहन भैया नमस्कार। मुझे ये बताइए आपके चेहरे पे जो इतनी खुशी झलक रही है, किस लिए है? HITM का नाम आ गया और साथ ही साथ इतना बड़ा काम होने वाला है, महिला इतनी सारी, ये वजह है कुछ और भी वजह है? एक्चुअली जब इतना बड़ा ग्रुप होता है और उसमें हमें मौका मिले जुड़ने का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि खुशी इस चीज की है कि सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी संस्था इतना बड़ा बढ़िया प्रोग्राम कर रही है, और उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि हम ये देख पा रहे हैं कि दिल्ली की इवेंट कंपनी जो इतना अच्छा फर्स्ट स्टेप लेके समिति के साथ जुड़ के काम कर रही है, जैसे कि मैम ने बताया कोको इवेंट्स, तो आप ये देख पाए हो कि सार ग्रो कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब एक चीज़ जब एक कोलैबोरेट फॉर्म में होती है, जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो कुछ ना कुछ धमाल के साथ बहुत बड़ा अच्छा ही लेवल पर काम होता है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले भी मैसेज दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक सोशल वर्क करना, जो हमेशा अग्रवाल समिति करती आई है और मैम लोग करते आए हैं,
उनके साथ जुड़ के हम भी एक ये स्टेप करते हैं कि हमारी भी कुछ आहुति डल जाए, हम भी कुछ सोशल वर्क कर पाएं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, ये इवेंट एक माध्यम है लेडीज के एंटरटेनमेंट और फन के लिए। इसके साथ साथ उन सब पर एक जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से वीक होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, उनके चेहरों पे एक स्माइल लाना, वो अग्रवा समिति काम करती है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगा, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ के इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ और साथ दे रहा हूँ। कर तो यही रहे हैं, मैं तो साथ ही दे सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छा है। और मैं यही मैसेज दूंगा कि 7 अगस्त है, आप ये देखिए 7 अगस्त, अभी तो जून चल रहा है, तो आप ये देखिए कितनी अर्लियर प्लानिंग है। और ये महिलाएं हैं जनाब, यहाँ ऐसा ही होता है। बस फिर आपको पता ही है माता शक्ति तो रहेगी, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं सभी को दोबारा से एक मैसेज दूंगा, जुड़िए और 7 अगस्त को सेव करिए। लेडीज प्रोग्राम है, फन, एंटरटेनमेंट, फूड सब कुछ मिलेगा, और फूड के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स आपको मिलने वाले। चलिए अब बारी है रवि मैम की दोबारा से। रवि मैम, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ चुके हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें होती है जो सब कुछ देखकर ही इतना बड़ा इवेंट रखा जाता है, तो क्या कुछ लोगों का जो है सपोर्ट आपके लिए रहा? लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हालांकि हमारी प्लानिंग 2 महीने पहले से स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा थोड़ा गर्मी की वजह से देखते हुए हम भी इसको धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। अब से आज से जैसे हमारा पूरा दिल्ली से भी आए हुए हमारी टीम के पार्टनर हैं जो, और सभी हम लोग आज इकट्ठे होकर इसको पूरा मतलब एक बहुत तेज़ी से इसको काम कर रहे हैं। परंतु फिर भी जो समय में हमारे साथ जुड़े, तो हमारे साथ स्पॉन्सर्स काफ़ी अच्छे जुड़ रहे हैं, जैसे सरस्वती गोल्ड सुप के नाम से PLA मार्केट के सामने है, वो हमारे मेन स्पॉन्सर में, और मद्रास हैंडलूम वाले मेन स्पॉन्सर हमारे वो बने हैं। इसके अलावा हमारे साथ मॉडर्न डिफेंस स्कूल वाले हैं, दून इंटरनेशनल स्कूल वाले हैं हमारे साथ, पंकज साड़ीज वाले हैं, और हमारी सारी टीम जो पार्टनर हैं ये तो है ही है, परंतु धीरे धीरे हमारे साथ मतलब जो कारवां हमारा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तीज मनाई किस लिए जाती है, आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से तीज जो है मनाई जाती है और लोग खुश होते हैं पतंग उड़ा उड़ा के? तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लेडीज को इस दिन का श्रृंगार करने का, झूला झूलने का अपना एक अलग मस्ती का माहौल मिलता है। उस दिन वो जेंट्स से लोगों के लेडीज मिलकर जो प्रोग्राम करते हैं ना, वो तीज का त्यौहार एक इसलिए मनाया। नहीं तो आप क्या परेशान है क्या घर वालों से, पहले बताइए। नहीं बिल्कुल भी परेशान नहीं, लेकिन एक दिन तो लेडीज को भी फ्री चाहिए, ऐसी क्या बात है, जेंट्स के साथ ही जो एक फंक्शन तो हमें भी अकेले अच्छा जरूरी होता है कि भाई एक दिन तो चाहिए लेडीज को कि अलग से निकाल पाए, और हमने तीज के लिए अकेले। क्या बात है, तीज में क्या क्या होने वाला सबने बता दिया। जेंट्स को एक दिन संडे का दिन तो मिल जाता है, लेडीज को तो वो भी नहीं मिलता। अच्छा ये दुख है आप लोगों के, कोई बात नहीं होता है, कभी कभी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, घर परिवार को घर पर छोड़कर आप यहाँ पर पहुँचने वाले, क्या बच्चे वगैरह भी लेकर आएंगे या फिर उनको भी अलाउड नहीं है? आएंगे। अच्छा खान पान में मैंने सुन लिया क्या मिलने वाला, डेकोरेशन कैसी रहने वाली है? डेकोरेशन भी मस्त रहेगी, मस्त रहेगी। कोई थीम ऐसी बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा कुछ विचार जो है चल रहा हो? थीम चल रही है क्या, कुछ कहना चाह रहे हैं पीछे से? सरप्राइज है इस बार, डेकोरेशन में सरप्राइज है हमारा मेन। अच्छा और सेल्फी पॉइंट्स हमारे ऐसे होंगे कि आपने हिसार शहर में देखे नहीं है, बाकी का बता नहीं। प्रतिभा जरूर पहुंचने वाली, तो आप भी मत आना भूलना। अच्छा लास्ट मेरा एक आपसे सवाल है, मुझे बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचेंगे उनको क्या देने वाली, गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे, एंट्री होगा कि नहीं होगा, वेलकम होगा कि नहीं होगा बढ़िया तरीके से? बहुत है, गेम्स हैं, गेम्स में भी गिफ्ट रहेंगे, और वैसे भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, बट अभी हम सब कुछ खुलासा नहीं करने वाले, सब सरप्राइज। लेकिन आपके साथ जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ जुड़ने के लिए लोगों को हमारे वैसे जो मतलब मेरा नंबर भी मैं बता देती हूँ जी, अग्रोहा विकास महिला समिति का फेसबुक पे पेज भी है, उसमें भी हम लोगों के साथ नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं रमी गुप्ता, प्रेसिडेंट अग्रोहा विकास महिला समिति की, मेरा फ़ोन नंबर है 9466370510। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, बाकी हमारी मेरी टीम के नंबर भी दिए हुए हैं, हमारे जो ऐड चल रही है सब जगह ऑनलाइन ऐड चल रही है, HIDM के हमारे ऑनलाइन पार्टनर हैं, इनकी तरफ से भी इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी हमारे चल रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर के रूप में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारी वैसे किसी तरह जो लड़कियां हमारी तरफ से पढ़ती हैं उनके लिए हेल्प करना चाहता है, या इस प्रोग्राम में आना चाहता है कोई, या फिर हमारी समिति का मेंबर बनना चाहता है। इस समिति का मेंबर बनने के लिए सिर्फ आपको 500 पर ईयर के देने पड़ते हैं, जिसमें हम महिलाओं को 5
फंक्शन भी साल के देते हैं, लोहड़ी का देते हैं, होली का देते हैं, तीज का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, हम मूवी लेके जाते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर सोशल मूवी आती है वो दिखाते हैं सभी मेंबर्स को। इसके अलावा हम पिकनिक लेके जाते हैं, साल में एक कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाते हैं। और उसके बाद हमारा दिवाली पे एक प्रोग्राम होगा, करवा चौथ दिवाली से रिलेटेड है। तो इतना कुछ हम लेडीज़ को एंटरटेनमेंट भी देते हैं, इसके साथ साथ हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, जो उसमें बहुत सी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ती हैं। वो सिर्फ इसीलिए जुड़ती हैं कि चलो हम प्रोग्राम में आ पाएँ ना आ पाएँ, परंतु हमारी तरफ से एक छोटा सा नेक कार्य हो जाए, तो उसके लिए हमने एक रुपया पर डे का लक्ष्य भी रखा हुआ है कि आप कोई भी है एक रुपया पर डे बड़ी इजिली निकाल सकता है। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साल के 365 रुपये हमें दीजिए, और हमें ये जो लड़कियां हमारी तरफ से पढ़ रही हैं इसमें थोड़ी सी आप भी इस यज्ञ में हमारे साथ आहुति डालिए। क्या बात है, ये और भी ज्यादा जबरदस्त। मैं तो खैर इनके इवेंट की सुन रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इवेंट में आने के लिए कोई गेट पास आपने बनवाया है? बिल्कुल, हमारा एक एंट्री पासिस बनेंगे जो हमारे मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं बिल्कुल। इसके अलावा कोई भी आना चाहता है वो 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट होती है। वो भी हम इतनी मिनिमाइज कॉस्ट इसलिए रखते हैं कि एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी फालतू की भीड़ ना हो, दूसरा ये है कि भी उसमें जो हमें हम लड़कियों को पढ़ाते हैं हम उससे ही हेल्प करते हैं उन लड़कियों। क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली जो इस वक्त लाइव देखिए, आप लोगों को बता दो एक बार ताली बता दो। क्या बात है, अपने लिए ताली बजा दो, क्योंकि ये काम करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लोग कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम आने वाले समय में ये नया लेकर आएंगे, लेकिन वो बात कहनी और करनी दोनों में कितना डिफरेंस है वो समझना जरूरी होता है, और इन्होंने वो समझकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, इवेंट जो है 7 अगस्त का है, भूल मत जाना, जरूर आना, क्योंकि मैं भी पहुंचने वाली हूँ, सुंदर सी तैयार होगी इन लोगों की तरह, लेकिन मैं मेकअप नहीं करके आऊंगी। वीडियो को शेयर करना अपने साथ।